हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट रबड़ी बनाने जा रहे हैं। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है ये 400 ml मिल्क लिया है, जिसे हमने बॉईल करके ठंडा करके लिया है। तो उसके साथ में हमने जो मलाई थी वो भी ली है। ये 3 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है, 1 टेबलस्पून प्योर घी लिया है, ये 1/2 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर लिया है, ये कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप आपके चॉइस के अनुसार ले सकते हो। ये कुछ 15-20 केसर के धागे हैं जो मैंने दूध में भिगो के लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है और 3 हमने छोटे साइज के ब्रेड लिए हैं। तो आइए ब्रेड की इंस्टेंट रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ब्रेड के साइड्स निकाल के उसका ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम ऑन करके हमने उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अभी हम ये थोड़ा सा घी इसमें ऐड करेंगे। और इसमें ये ब्रेड क्रम्स को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमें सिर्फ गरम करना है। ये 1 मिनट के लिए ब्रेड को हमने थोड़ा सा रोस्ट करके लिया है घी के साथ में। अभी हम ये मिल्क इसमें ऐड करेंगे। मिल्क के साथ में मलाई भी हमने ली है, तो ये सभी चीज़ें हम अभी इसमें ऐड करते हैं। गैस का फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये इसी दूध के कटोरी में मैं ये मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ। ये मिल्क पाउडर को हम दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दूध मिल्क पाउडर हम दूध में इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे तो रबड़ी में उसके लम्स बनेंगे, इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम ये जो हमारा मिक्सर है इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए पिलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सर मिल्क पाउडर और मिल्क का अच्छे से बन चुका है। अभी हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे रबड़ी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और वो बहुत क्रीमी वो बनेगी। अभी इसमें हम ये शक्कर ऐड करेंगे। ये 3 टेबलस्पून शक्कर हमने लिया है। आप आपके चॉइस के अनुसार शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हो। शुगर को पूरी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। ये इलायची का पाउडर भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केसर के कुछ धागे मैंने भिगो के रखे थे, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि उसका कलर हमारे रबड़ी का बहुत अच्छे से आए। ये देखिए, ये डालने के बाद कलर कितना अच्छा आया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये भी मैं इसमें मिक्स करती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं बचा लूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अभी हम इसे अच्छे से बॉइल्ड होने देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और उसका टेक्सचर भी थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है और इसका थिकनेस भी बहुत ही अच्छा आया है। ये गर्म है तो इसलिए ये
थोड़ा पतला लगता है पर ठंडे होने के बाद बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। इसे हम 2 मिनट के लिए उबालेंगे। हमारे रबड़ी को उबलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी मिक्स करेंगे। ये घी हम इसलिए मिक्स करते हैं कि उसे हमारे रबड़ी को शाइन आएगा। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसे मिक्स होने के बाद एक आधे मिनट के लिए हम इसे वापस से उबालेंगे। हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत गाढ़ी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और थोड़ा ठंडा करके मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ब्रेड की इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये सिर्फ 10 मिनट में बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।